तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो टाइटल और थंबनेल को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फैक्ट वीडियो या किसी भी तरह की वीडियो के लिए वीडियो क्लिप्स कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए हमारे पास उसकी क्लिप्स होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे पास उसकी क्लिप्स होती है तो हमारी वीडियोज काफी आसानी से बन जाती है। और कई सारे लोगों को अपने वीडियोज की क्लिप ढूंढने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी क्लिप्स ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं जो मैं खुद अपनी फैक्ट चैनल की वीडियोज में यूज करता हूं। और इसी से मैंने अपने फैक्ट चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप आसानी से अपने वीडियोज के लिए किसी भी तरीके की क्लिप्स यूज कर सकते हो, और इन सब में से मेरा फेवरेट 3rd नंबर वाला है, तो वो जरूर से देखना। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नंबर 1 तरीके की, जो कि आता है वेबसाइट्स। इसमें मैं आपको 2 वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप आसानी से नॉन कॉपीराइट वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, इसलिए आप अपने फोन को कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड में पकड़ लीजिए। अब आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम पर चले जाना है और कवर लिखकर सर्च कर देना है और इस वाली वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस वेबसाइट में आपको कई सारे फ्री फुटेज मिल जाएंगे जिनको आप अपने वीडियोज में यूज ले सकते हैं। आपको सिंपली सर्च पर जो भी वीडियो चाहिए उसके वर्ड्स लिख देने हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ डॉग। तो देखो यहाँ कितनी सारी फ्री क्लिप्स आ चुकी हैं। आपको जो क्लिप्स चाहिए उस पर आप क्लिक करके आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2 पर हमारी वेबसाइट आती है मिक्सकिट। आप जैसे इसको सर्च करके वेबसाइट में ले जाते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें भी आपको कई सारे फ्री नॉन कॉपीराइट फुटेज देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको कोई भी क्लिप सर्च करने के लिए 3 डॉट पर चले जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ बॉय, तो देखो कितनी सारी क्लिप्स आ चुकी हैं। आप इनमें से कोई भी क्लिप अपने वीडियो से मैच करवाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की, तो वो आता है एप्स। दोस्तों कई एप्स से आप फ्री नॉन कॉपीराइट वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और पिक्सल सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसके 10 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। आपको सिंपली इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। मैं इसको पहले से डाउनलोड कर चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर लेता हूं। अब आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें आपको सबसे पहले फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर लेना है, फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस ऐप की खास बात यह है कि इस ऐप में आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड कई सारी वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगी। मान लो मुझे ऐसे फुटेज चाहिए जिसके अंदर कोई लड़का लिख रहा हो, तो मैं सिंपली सर्च करता हूँ राइटिंग बॉय। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखो कितनी सारी वीडियो आ चुकी है। आप इनमें से किसी भी क्लिप्स को सिलेक्ट करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक क्लिप चाहिए तो मैं इस डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये विंडो खुल जाती है। आपको सिंपली डाउनलोड वीडियो पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ वीडियो की क्वालिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो वीडियो की क्वालिटी मैं HD कर देता हूँ। आपको भी अपनी सारी वीडियो HD में ही सिलेक्ट करनी है जिससे कि आपकी क्लिप्स ज्यादा MB की ना हो, और सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करने पर आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे 3rd तरीके की, जो कि है YouTube। अब दोस्तों कई सारी क्लिप्स और वीडियोज ऐसी होती है जो कि हमें सिर्फ YouTube पर ही देखने को मिलती है। जैसे कि हमें वीडियोज बनानी है Top 10 Facts अबाउट सौरभ जोशी, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्लिप सिर्फ YouTube से ही मिल सकती है। तो इसके लिए YouTube की पॉलिसी आती है फेयर एंड यूज की, जिसमें आप दूसरों की वीडियोज काम में ले सकते हैं अपनी वीडियोज बनाने के लिए। लेकिन आपको इसमें कई चीजों को ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले आपको जितना पार्ट काम में लेना है उतना ही पार्ट आप डाउनलोड करके कट कर सकते हो, और फिर आपको उस क्लिप को म्यूट करके उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देना है, और आपको बीच बीच में फ्री क्लिप्स का भी यूज कर देना है। इसके बाद आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप उनके सेम टू सेम वीडियो उठाकर अपने वीडियोज में डाल दो। आपको कम से कम उसके ऊपर वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा। इन सब को करने के बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है, फिर भी आपको 1% रिस्क तो रहेगा ही। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूट्यूब पर वीडियोज बनाकर ग्रो करना है तो ये 1% रिस्क तो आपको
लेना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने फैक्ट चैनल पर इसी तरीके का यूज करके 300 प्लस वीडियोस डाल दी हैं, लेकिन अभी तक मुझे कॉपीराइट से लेकर किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हुई है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।